दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कार्बोरेटर में चौक कैसे काम करता है। जब सुबह सुबह हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है तो यहाँ से हम चौक लगाते हैं और इसका ये चौक है, इसे हम चौक बोलते हैं। सुबह सुबह गाड़ी का स्टार्ट नहीं होती है, चाहे ठंडी के दिनों ठंड का दिन रहे या फिर गर्मी का दिन रहे, किसी भी मौसम में अगर गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है तो फिर हम चौक का इस्तेमाल करते हैं। या फिर किसी भी टाइम गाड़ी चलते चलते अगर अचानक बंद हो गई और फिर हम चौक का इस्तेमाल करते हैं उस टाइम में भी, तो आखिर ये चौक काम कैसे करता है। मान के चलो गाड़ी चलते चलते पेट्रोल ख़त्म हो गई और फिर हम चौक लगा के कुछ दूर चल जाते हैं, जैसे 1 किलोमीटर या फिर आधा किलोमीटर, 500 मीटर, इस तरीके से हम गाड़ी को चला सकते हैं। तो ये आखिर कैसे चल जाता है, आखिर चौक पर ये गाड़ी चलता कैसे है और चौक पर गाड़ी स्टार्ट जल्दी होता कैसे है, वो सारी जानकारी आज की वीडियो में हम देने वाले हैं। मैं हूँ कासिम ऑटो, झारखंड गोड्डा नहरी से। तो दोस्तों चौक के बारे में जानने से पहले हम गाड़ी के स्टार्टिंग के बारे में भी जानते हैं कि कार्बोरेटर स्टार्टिंग के विषय में कैसे काम करता है, तभी आप पूरी तरीके से समझ पाएंगे कि चौक कैसे काम करता है। देखिए गाड़ी जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो इस तरीके से इधर से हवा पहुंचता है और ये वाला पार्ट जो होता है वो फिल्टर के साइड होता है और ये दरवाज़ा, ये जो प्लेट है ये खुला हुआ रहता है, ठीक है, ये प्लेट खुला हुआ रहता है और गाड़ी इधर से हवा जाता है सिलेंडर ब्लॉक की तरफ, सिलेंडर ब्लॉक हवा लेता है तभी कंप्रेसर बनाता है, गाड़ी चलती रहती है। तो यहाँ से हवा पास होता है और यहाँ पे एक स्लाइड पिस्टन होता है, स्लाइड पिस्टन जब हम एक्सेलेटर खींचते हैं तो वो पिस्टन ऊपर की ओर खींचाता है और पेट्रोल यहाँ पे पड़ा हुआ रहता है, पेट्रोल इस ढक्कन में पड़ा हुआ रहता है, यहाँ पे इस तरीके से पड़ा हुआ रहता है और वो पेट्रोल की खींचा होती है इस जेट के जरिए से, दोनों जेट के जरिए से खींचा होता है और हमारी गाड़ी चलती रहती है इसके ज़रिए से। अब देखिए गाड़ी का जब पेट्रोल ख़त्म हो गया, ठीक है, गाड़ी का अगर पेट्रोल ख़त्म हो गया तो हम इस चौक को लगा कर गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं और कुछ दूर हम चले जाते हैं, चाहे आधे किलोमीटर जाए या फिर 1 किलोमीटर जाए, लेकिन जो भी होता है कुछ दूर तो हम चले ही जाते हैं किसी तरीके से। हम इसलिए चले जाते हैं कि गाड़ी जब हमारी चलती रहती है, बंद जब हो जाती है, गाड़ी चलते हुए अगर बंद हो जाती है तो ऐसा नहीं है कि इसका सारा पेट्रोल ख़त्म हो जाता है, इस कटोरी में जो पेट्रोल होता है वो सारा पेट्रोल ख़त्म नहीं होता है, थोड़ा बहुत इसमें बचा हुआ रहता है, ठीक है ना, इसके अंदर थोड़ा बहुत पेट्रोल बचा हुआ रहता है। जिस तरीके से हम ये इस ढक्कन को अगर हम लगा देंगे तो इसका जो जेड है, ये देखिए इसका जो जेड है, ये जेड, ये मेन जेड, ये नीचे तक पड़ा हुआ नहीं रहता है, ये नीचे तक नहीं रहता है पड़ा हुआ, लेकिन पेट्रोल तो नीचे तक पड़ा हुआ रहता है ना, पेट्रोल बिल्कुल नीचे तक पड़ा रहता है। और ये जो इसका जो सुराख है, इसके अंदर देख सकते हैं सुराख भी होता है, इस सुराख तक अगर पेट्रोल रहता है तो ये खिंचाव कर लेता है और जब पेट्रोल ख़त्म हो गया, यहाँ से पेट्रोल ख़त्म हो गया, इसके मुँह तक पेट्रोल नहीं रहता है तो गाड़ी हमारी बंद हो जाती है। अब देखिए जिस टाइम हम चौक लगाते हैं तो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, वो इसलिए होती है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, वो गाड़ी स्टार्ट इसलिए हो जाती है। देखिए यहाँ पे आपको दो सुराख मिलेगी, ये दो सुराख मिलती हैं, इसी सुराख के जरिए से गाड़ी जब हम स्टार्ट करते हैं, इसी सुराख के जरिए से यहाँ पे भी हवा पहुँचता है, इस यहाँ पे जो पेट्रोल होता है अंदर में, इसके अंदर भी हवा पहुँचता है, हवा खींचता है, ठीक है ना, यहाँ पे जो पिस्टन होता है ना इसके ऊपर, इसके अंदर जो पिस्टन इस तरीके से लगा हुआ रहता है स्लाइड जो इस तरीके से लगा हुआ रहता है, जब हम इसको खींचेंगे तो इसके अंदर से हवा जाएगा और पेट्रोल की खिंचाव करेगी ऊपर की ओर, पेट्रोल खींचता है ना, पेट्रोल ऊपर की ओर खींचता है। और साथ में यहाँ भी एक सुराख देखेंगे, छोटा सा सुराख होगा यहाँ भी, ये छोटा सा सुराख जो ये एयर स्क्रू से जुड़ा हुआ रहता है, ये छोटे जेट से जुड़ा रहता है ये एयर स्क्रू, ये देखिए ये भाग देख सकते हैं, ये होता है छोटा जेट जो होता है ये इस एयर स्क्रू से जुड़ा रहता है, ये देख सकते हैं यहाँ पे, और यही हवा को कंट्रोल करता है, यहाँ से हवा पास होता है। मैं जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि ये जो सुराख होता है, एक सुराख होता है छोटे वाले जेट से जो देख सकते हैं, ये डायरेक्ट यहाँ पर लगा हुआ है, आया हुआ है, और ये छोटे वाले जेट से, और इसके साथ ही एक एयर स्क्रू पड़ा रहता है, एयर स्क्रू के जरिए से हवा जो कम और ज़्यादा करते हैं, एयर जो हम सेट करते हैं तो इसी एयर को सेट करते हैं, ना कि हम इस एयर को बड़े वाले सुराख को हम सेट नहीं करते हैं, ठीक है ना, ये तो डायरेक्ट रहता है, ये हवा हमेशा खींचता रहता है, ज़्यादा एक्सीलेटर देंगे ज़्यादा हवा खींचेगा, अगर कम एक्सीलेटर देंगे तो कम हवा खींचेगा, ये डायरेक्ट रहता है। लेकिन एयर को जो हम सेट करते हैं तो एयर जो सेट करता है, एयर हवा, ये एयर स्क्रू तो इस हवा को सेट करता है, यहाँ से जो एयर पहुँचेगा अंदर की ओर, ठीक है, तो इसी के जरिए से ये जुड़ा रहता है और इसको हम एयर सेट करते हैं। अब देखिए पेट्रोल जो मैंने आपसे कहा कि इसके अंदर कुछ ना कुछ पेट्रोल पड़ा रहता है, ठीक है ना,
कुछ ना कुछ पेट्रोल पड़ा रहता है, सारे पेट्रोल जल के ख़त्म नहीं होता है। गाड़ी अगर बंद हो जाती है तो जल के सारा पेट्रोल ख़त्म नहीं होता है, थोड़ी बहुत इसके अंदर पेट्रोल रहता है। तो अब ये पेट्रोल जो इसमें बचा हुआ रहता है, इसी पेट्रोल के जरिए से गाड़ी स्टार्ट होती है जब हम चौक लगाते हैं। तो देखिए, या जब हम इसको इस चौक पर हम लगा रहे हैं तो यहाँ पे जो डायरेक्ट हवा पहुँचता है पिस्टन में, उस हवा को रोक देता है ये, उस हवा को बंद कर देता है ये चौक, ये प्लेट ये हवा को बंद कर देता है। आप समझ लें बिल्कुल अच्छे तरीके से, मैंने इसको खुला रखा तो हवा बिल्कुल क्लियर पहुँच रहा है सिलेंडर ब्लॉक में, और अगर पेट्रोल ख़त्म हो गया तो गाड़ी बंद हो गई। ठीक, अब देखिए जब हम इस चौक को लगाएंगे और ये दरवाज़ा इसके जो प्लेट है ये अगर बंद हो जाती है, तो अब सिलेंडर ब्लॉक जो है पिस्टन वो हवा कैसे खींचेगा, आप यहाँ पे खुद सोचें आप कि यहाँ से हवा कैसे खींचेगा, जब इसको बंद कर दिया तो हवा कहाँ से खींचेगा। तो अब लास्ट इसको ऑप्शन मिलता है कि हवा जो है वो इसके ज़रिए से डायरेक्ट खींचने लगता है। हवा तो यहाँ से भी खींचता है ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर जो यहाँ से जो डायरेक्ट हवा बहुत ज़्यादा पहुँच रहा है और बहुत ज़्यादा हवा नहीं मिलने के कारण वो ज़्यादा हवा और भी इसके ऊपर प्रेशर करने लगा। तो दोस्तों आप समझ रहे हैं मैं आपसे क्या कहने जा रहा हूँ, जब गाड़ी स्टार्ट रहती है तो डायरेक्ट इस प्लेट, ये जब प्लेट खुला रहता है तो डायरेक्ट इसको हवा मिलता है, डायरेक्ट एयर मिलता है सिलेंडर में, और जब हम इसे बंद कर देते हैं तो यहाँ से एयर नहीं मिलता है और गाड़ी बंद हो जाती है। जब हम इसको चौक में लगा के छोड़ देंगे, एक्सीलेटर नहीं खींचेंगे तो गाड़ी बंद हो जाएगी, ये करके देख लेना। चौक में अगर लगा हुआ रहेगा और एक्सीलेटर नहीं देंगे तो गाड़ी कंफर्म है कि बंद होगी, इसलिए बंद होगी कि इसका जो हवा है वो अंदर नहीं पहुंच रहा है, इसी वजह से गाड़ी बंद हो जाएगी। और जब हम एक्सीलेटर खींचेंगे, चौक लगा हुआ रहेगा, गाड़ी का हम जब एक्सीलेटर खींचेंगे तो गाड़ी क्या होता है स्टार्ट रहता है और हम बिल्कुल चला सकते हैं। लेकिन उस टाइम देखना कि गाड़ी की जो आवाज़ है वो बदल जाती है, जब हम इस चौक का इस्तेमाल करते हैं लगा हुआ रहता है और गाड़ी चलाते रहते हैं तो गाड़ी की आवाज़ है वो बदल जाती है, चर 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 जैसे आवाज़ आता रहता है इस जगह से, चर चराहट जैसा इस जगह से आवाज़ होता रहता है। वो इसलिए आवाज़ होता है कि ये जो प्लेट है इस प्लेट को धक्का पहुंचता है हमेशा, ये हवा नहीं मिलने के कारण से इस प्लेट को धक्का पहुंचता है और यही प्लेट आवाज़ करने लगता है, ठीक है ना, यही प्लेट जो है ना वो आवाज़ करने लगता है। तो अब ये गाड़ी कैसे चल रही है हमारी, अब डायरेक्ट मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। तो ये प्लेट बंद रहने के बाद ये दोनों जो सुराख है, इसी दोनों के सुराख से डायरेक्ट हवा खींचने लगता है। जब हम एक्सीलेटर खींचेंगे, यहाँ से जो पिस्टन खींचा जाएगा स्लाइड पिस्टन, जब हम ऊपर की ओर खींचेंगे तो डायरेक्ट ये दोनों जो सुराख है, इसी दोनों सुराख के जरिए से हवा खींचने लगता है। और यहाँ पे जो जेड में जो सुराख होता है, इस जेड के जरिए से जो यहाँ पर बचा हुआ पेट्रोल रहेगा, ज़्यादा एयर यहाँ पहुँचने की वजह से, ज़्यादा कंप्रेसर यहाँ आने की वजह से, यहाँ पर बचा खुचा पेट्रोल जितना भी होगा उसको हवा के माध्यम से बहुत, और जब हम एक्सीलेटर खींचते हैं तो इसके ज़रिए से पेट्रोल निकलता है, एक्सीलेटर के जरिए से पेट्रोल निकल गया इस स्लाइड पिस्टन के जरिए से, और कुछ पेट्रोल ये बारीक छोटा वाला जो जेड है इसके ज़रिए से पेट्रोल निकल गया और ये डायरेक्ट सिलेंडर में चला गया। अब यहाँ से पेट्रोल और हवा भी इसको मिल रहा है और गाड़ी हम चला रहे हैं, लेकिन सही हवा नहीं मिल रहा है इसको, पूरा क्लियर तरीके से हवा नहीं मिल रहा है, इसी वजह से जब हम गाड़ी का रेस छोड़ते हैं तो गाड़ी बंद हो जाती है। मैंने आपसे क्या कहा कि गाड़ी जब चौक में लगी हुई रहेगी और आप रेस नहीं देंगे तो गाड़ी बंद हो जाएगी, है ना, और जब रेस देते रहेंगे तो गाड़ी चलती रहेगी जब तक कि ये सारा पेट्रोल ख़त्म नहीं होता है। तो इसी तरीके से ये गाड़ी चलती रहती है। मैं आपको फिर से अगर आपको बता दूँ तो आप बुरा ना माने कि आप रिपीट कर रहे हैं बातों को, मैं इसलिए रिपीट करता हूँ कि आप अच्छे तरीके से समझ पाएँ। यहाँ से जैसे ही ये प्लेट बंद हो गया, यहाँ से जैसे ही ये जो चौक लगा, तो हवा जो डायरेक्ट पहुँचना चाहिए वो नहीं पहुँचने लगा, और ये बंद होने की वजह से ये डायरेक्ट ये दो सुराख के माध्यम से ये हवा इस जेड के जरिए से इस कटोरी में आया, और कटोरी में जो बचा खुचा पेट्रोल है वो डायरेक्ट उठा के इस जेड के जरिए से ये स्लाइड पिस्टन के थ्रू ये आगे पेट्रोल और हवा मिक्स होके पहुंच जाता है सिलेंडर में, और हम कुछ दूर गाड़ी को चला लेते हैं। अब बात आती है दोस्तों कि गाड़ी जिस टाइम स्टार्ट नहीं होती है और हम चौक लगाते हैं गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, तो उस टाइम में भी यही काम करता है। जब हम इसको बंद कर दिए और इस कटोरी में पेट्रोल जमा है, बहुत ज़्यादा पेट्रोल जमा है, तो जैसे इसको हम बंद करेंगे तो डायरेक्ट इस दोनों सुराख के माध्यम से हवा पहुंचेगी और इसके ज़रिए से कुछ ज़्यादा ही पेट्रोल यहां से ओवर पेट्रोल जाएगा सिलेंडर में और जल्दी से गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। इसी तरीके से अगर ठंडी के दिनों में इंजन ज़्यादा ठंडा है
तो यहाँ पे क्या होता है, ये जब नीचे पड़ा रहेगा तो यहाँ से हवा ज़्यादा पहुँचेगी और पेट्रोल की मात्रा वहाँ पे कम पहुँचने की वजह से, इंजन ठंडा रहने की वजह से गाड़ी जल्दी स्टार्ट नहीं होती है। और जब हम उस टाइम में अगर चौक लगा देते हैं तो पेट्रोल इसके ज़रिए से डायरेक्ट बहुत ज़्यादा पेट्रोल वहाँ पहुँच जाता है और गाड़ी जल्दी से स्टार्ट हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैंने आपको बहुत ही बारीकी से समझा पाया। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूँ कासिम ओटो, झारखंड गुड्डा नरेनी से।